पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदी मकरम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। बरेली शरीफ में ताजू शरिया के पहले उर्स को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां प्रशासन ने जो कमेटी के मेंबर थे जिस तरीके का सलूक उन लोगों के साथ किया वो दुनिया के सामने अब आ चुका है, जहां हर कोई प्रशासन और योगी के राम राज्य की दुहाइयां देता हुआ नहीं थक रहा है। आपको बता दें कि पहले ताजू शरिया उर्स के लिए इस्लामिया इंटर कॉलेज में अनुमति ले ली गई थी प्रशासन द्वारा, पर फिर बाद में हिंदूवादी संगठनों ने इसमें अड़ंगा लगा दिया और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हिंदूवादी संगठनों ने किया और विरोध के बहाने धमकी देने की मुसलमानों को कोशिश की गई, उसके बाद जिस तरीके का रवैया प्रशासन ने अपनाया हिंदूवादी संगठनों के धमकी के बाद वो कहीं ना कहीं अवशक के घेरे में आ चुका है। जहां पहले दिन तैयारियां इस्लामिया इंटर कॉलेज में, जहां हर साल आला हजरत उर्स की तैयारी की जाती है, उसी जगह पर ताजू शरिया के पहले उर्स की तैयारी होनी थी। तैयारियां चली रही थी कि हिंदूवादी संगठन के कुछ लोगों ने इस्लामिया इंटर कॉलेज में नारेबाजी शुरू कर दी और एक ज्ञापन देकर के इसके खिलाफ उन्होंने अड़ंगा लगा दिया। फिर बाद में प्रशासन ने मथुरापुर मदरसा जमीयतुर रजा में पहले उर्स की तैयारी के लिए हामी भर दी और मशक्कत के बाद पहले उर्स की तैयारियां शुरू हो गई और तमाम तरीके के अफवाह भी इस बीच सोशल मीडिया पर देखने को मिले और लगातार रडार पर सिर्फ मुसलमान और मुसलमानों को किस तरीके से परेशान किया जाए ये हिंदूवादी संगठनों को अच्छी तरह से मालूम हो चुका है, इसलिए हर अब बात पर विवाद खड़ा करना शुरू कर दिया है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। ताजू शरिया उर्स को लेकर मंगलवार से जुलूसों का आगाज शुरू हो गया है। फरीदपुर सहित अन्य जगहों से जुलूस अपने कदीमी रास्तों से होकर दरगाहे आला हजरत पहुंच रहे हैं। मुरीदों ने आला हजरत ताजू शरिया मजार पर चादर पोशी कर दुआ मांगी। आपको बता दें कि 9 और 10 जुलाई से ताजू शरिया उर्स यानी के आज से शुरू होने जा रहा है। उर्स से पहले मुरीद जुलूस लेकर रवाना होने लगे हैं। सोमवार को फरीदपुर से चादरों का जुलूस दरगाह पहुंचा। ताजू शरिया के नारे सदाओं में गूंजते रहे। आज से शहर के बाकी जगहों से तमाम जुलूसों का काफिला हाजिरी देगा। आपको बता दें कि ताजू शरिया के पहले उर्स में देश के अलावा विदेश से भी बड़ी संख्या में जायरीन और उलेमा शिरकत करने पहुंचे हैं। पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, हॉलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, मॉरिशस, बांग्लादेश, सऊदी अरब, मिस्र, श्रीलंका, लेबनान, तुर्की आदि के उलेमा और मशाइख हैं जो खास अजद मियां के दावतनामे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 9 और 10 जुलाई को आयोजित होने वाला मुफ्ती अख्तर रजा खान ताजू शरिया का उर्स अब इस्लामिया इंटर कॉलेज की बजाय मथुरापुर स्थित मदरसा जमीयतुर रजा में होगा। दो दिन चली खींचतान के बाद प्रशासन ने बीच का रास्ता निकालते हुए उर्स आयोजकों को मथुरापुर में आयोजन की अनुमति दे दी। इसके बाद प्रशासनिक सहायता के साथ उर्स को लेकर मथुरापुर मदरसा मैदान में तैयारियां शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि आयोजकों की तरफ से मदरसा मैदान में उर्स के आयोजन को लेकर प्रस्ताव आया था, जिस पर विचार करने के बाद अधिकारियों ने जायजा लिया। मौके पर उर्स के लिए स्थितियां अनुकूल पाए जाने पर आयोजकों को इसके लिए अनुमति दे दी गई।
छुट्टी का दिन होने के बावजूद रविवार को अनुमति इसलिए दी गई जिससे किसी तरह की अफवाह की स्थिति ना रह जाए। इसके लिए जिला प्रशासन ने शनिवार को इस्लामिया इंटर कॉलेज में आयोजित होने वाले उर्स की अनुमति ये कहकर निरस्त कर दी थी कि उर्स गैर परंपरागत है। इस्लामिया मैदान सरकारी जगह नहीं है, ये वक्फ की संपत्ति है। फिर हम कोई निर्माण नहीं करने जा रहे हैं। उर्स जलसा है, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। शासन प्रशासन से हमारी मांग थी कि वह इस्लामिया में ही उर्स की अनुमति दे दें ताकि सबका साथ और सबका विश्वास बना रहे। मौलाना तस्लीम रजा खान नबीरे आला हजरत ने प्रशासन को लताड़ लगाते हुए ये बात कही। मथुरापुर में उर्स के आयोजन को लेकर अनुमति दे दी गई है। मदरसा का मैदान बड़ा होने से आम जनसभा को भी किसी तरह की समस्या नहीं होगी। अब इस मामले का पटाक्षेप हो गया है। वीरेंद्र कुमार सिंह डीएम ने ये बात कही है। मुफ्ती अख्तर रजा खान ताजु शरिया के पहले सालाना उर्स में विवाद आगे ना बढ़े इसके लिए बीच का रास्ता निकाला गया है। प्रशासन की पहल इस्लामिया कॉलेज के बजाय मथुरापुर स्थित मदरसा जमियतुर रजा का नाम सुझाया। अधिकारियों के भरोसे पर आयोजक वहां वैकल्पिक तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि देश विदेश से जायरीन बरेली पहुंचने लगे हैं। हालांकि मुरीदों का एक धड़ा इस्लामिया मैदान में ही उर्स की जिद को लेकर के अड़ा हुआ है। दरगाह आला हजरत परिसर में देर रात तक उलमा की बैठक जारी रही। अंतिम फैसले के लिए सज्जाद नशीन मुफ्ती अजद मियाँ का इंतजार किया जा रहा है। वही दरगाह का रुख साफ करेंगे तभी उर्स का स्थान स्पष्ट होगा। गत वर्ष जुलाई में ताजु शरिया पर्दा कर गए थे। 40वें पर इस्लामिया मैदान में कार्यक्रम हुआ था। 9-10 जुलाई को उनका 2 रोज़ा पहला सालाना उर्स है। प्रशासन ने पहले इस्लामिया में उर्स की अनुमति दी। शनिवार को पुलिस की दूसरी रिपोर्ट पर अनुमति रद्द कर दी गई। इसी को लेकर के आयोजकों में नाराजगी और मुरीदों में आक्रोश था। मथुरापुर स्थित मदरसा जमियतुर रुजा में उर्स की तैयारी देख क्षेत्र के लोगों ने आयोजन का विरोध कर दिया। धर्मवीर साहू, ज्ञान प्रकाश लोधी, कैलाश गंगवार, केपी राणा, अजय मौर्य, सुखदीप कश्यप, राम सिंह यादव आदि लोग सीबीगंज थाने पहुंचे। मदरसे में उर्स को नई परंपरा बताते हुए अनुमति नहीं देने की मांग रखी। इंस्पेक्टर सीबीगंज राजकुमार भारद्वाज ने बताया कि मथुरापुर के लोगों ने उर्स पर आपत्ति जताते हुए मांग पत्र दिया था। रविवार की शाम पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मथुरापुर स्थित जमियतुर रजा पहुंचे। इसमें एसीपी सिटी अभिनंदन सिंह, सीओ सेकंड सीमा यादव, एडीएम सिटी महेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर कोतवाली गितेश कपिल, इंस्पेक्टर सीबीगंज राजकुमार भारद्वाज आदि शामिल रहे। जबकि मदरसे की ओर से नदीम, नावेद असलम, कौशर अली आदि मौजूद थे। अधिकारियों ने परिसर का जायजा लेकर उर्स आयोजन के लिए व्यवस्थाएं परखी। ताजुशरिया के सालाना उर्स के मद्देनजर कथित रूप से पाकिस्तान में हुई ताजुशरिया कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ताजुशरिया के उर्स की परमिशन निरस्त होने के बाद जिले में स्थिति असहज हो गई है। पुलिस अलर्ट हो गई है। दरगाह ताजुशरिया परिसर के बाहर दिन भर अकीदतमंद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। चादरों के जुलूस भी पहुंचे। अकीदतमंद इस बात से नाराज हैं कि प्रशासन ने आयोजन से 2 दिन पहले उर्स की अनुमति क्यों रद्द की। इसलिए इस्लामिया में ही उर्स कराया जाए। मुरीदों के इस उबाल के बीच उलमा खामोश रहे व संयम बरतने की हिदायत देते रहे। उर्स की अनुमति रद्द करने की सूचना सोशल मीडिया के जरिए देश भर के मुरीदों तक फैल गई है। यहाँ प्रशासन की कड़ी आलोचना की जा रही है। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर वायरल मैसेज से एकजुटता की अपील की जा रही है। कानपुर में कुछ उलमा ने ताजुशरिया के उर्स की अनुमति रद्द करने को गलत बताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें इस्लामिया मैदान में ही उर्स को अनुमति दिलाने की मांग की है। उर्स कमेटी से जुड़े लोगों के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों से जायरीन दरगाह पहुंच गए हैं। वहीं उड़ीसा,
राजस्थान, बंगाल, बिहार से भी मुरीदों के पहुंचने की बात कही जा रही है। उर्स को लेकर प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन जारी कर दिया है। मुरादाबाद रामपुर की ओर से आने वाले भारी वाहन बड़े बाईपास होकर लखनऊ जाएंगे। लखनऊ से मुरादाबाद दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन इंटरसिटी चौराहे होकर पीलीभीत, नैनीताल, रामपुर, मुरादाबाद की ओर जाएंगे। पीलीभीत की ओर से बदायूं की तरफ जाने वाले भारी वाहन इंटरसिटी चौराहा, बुखारा मोड़, रामगंगा होकर आएंगे व जाएंगे। इसी तरह लखनऊ से बदायूं की ओर जाने वाले भारी वाहन फरीदपुर से बुखारा मोड़, रामगंगा होकर जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि ताजू शरिया की पहला उर्स जो 9 जुलाई से 10 जुलाई तक चलने वाला था, और पहले ही दिन यानी कि आज 9 जुलाई को जो तस्वीरें बरेली शरीफ से हम लोगों के सामने आ रही हैं, वो वाकई प्रशासन के मुंह पर और उन हिंदूवादी संगठनों के मुंह पर करारा तमाचा है, जहां कड़े विरोध के बाद भी अकीदतमंदों के कदम ताजू शरिया के पहले उर्स के लिए नहीं रुके और लाखों की तादाद में पहले दिन ही लोग वहां पहुंच चुके हैं। और अभी कल तक ये उर्स का सिलसिला जारी रहेगा, जहां संभावना बताई जा रही है कि 40 से 50 लाख लोगों तक पहुंचने की आशंका है। तो वहीं देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अकीदतमंद ताजू शरिया के पहले उर्स के लिए बरेली शरीफ पहुंचने लगे हैं, और तमाम तरह के रास्तों को अब डायवर्ट पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस द्वारा कर दिया गया है। पर अकीदतमंद इस बात से साफ तौर पर खफा है कि हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद ही पहले दिन ताजू शरिया का जो उर्स इस्लामिया इंटर कॉलेज में होने वाला था, उनके विरोध के बाद मनाही क्यों की गई और अनुमति क्यों नहीं दी गई। तो लोग प्रशासन के खिलाफ और योगी के रामराज्य के खिलाफ हल्ला बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। पर एक बात साफ है कि कड़े विरोध के बावजूद भी अकीदत मंदों के कदम ताजू शरिया के पहले उर्स के लिए नहीं रुके। भारी से भारी तादाद में लोग अभी भी बरेली शरीफ के लिए रवाना हो रहे हैं। जो रास्ते में हैं, वो कुछ ही पल में शाम तक वहां पहुंच जाएंगे। तो मैं ऐसी ही बरेली शरीफ से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने यूं ही हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।